विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में न्यास द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे काफी कारगर सिद्ध हो रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों की मदद से पंजाब से आए श्रद्धालु जिसकी जेब मंदिर परिसर में साफ हो गई है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जेब कतरों की पहचान की गई है और एक युवक और छोटी सी बच्ची श्रद्धालुओं ने पकड़कर पुलिस के हवाले की है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से श्रावण अष्टमी नवरात्र मेले में श्रद्धालुओं की जेबें साफ करने वाले जेब कतरों को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ने में सफलता हासिल की। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्री नैना देवी मंदिर में न्यास द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे काफी कारगर सिद्ध हो रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे की मदद से आज पंजाब के आए श्रद्धालु जिसकी जेब मंदिर परिसर में साफ हो गई। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जेब कतरों की पहचान की गई और एक युवक और छोटी सी बच्ची श्रद्धालुओं ने पकड़कर पुलिस के हवाले की। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पंजाब के संगरूर जिला से मलेरकोटला के रहने वाले संजय कुमार मां के दरबार में माथा टेकने के लिए अपने परिवार सहित पहुंचे थे, तो जैसे ही वे मंदिर की मुख्य लाइन में जा रहे थे उनके पीछे एक युवक छोटी बच्ची को उठाए हुए उनके पीछे पीछे चल रहा था कि संजय कुमार ने कई बार उसे कहा कि आगे हो जाओ या पीछे हो जाओ, लेकिन युवक उनके साथ साथ चलता रहा। बड़ी होशियारी से उसने भीड़ का फायदा उठाते हुए संजय कुमार के पैसे और गाड़ी की आरसी और पहचान पत्र आधार कार्ड एटीएम कार्ड सब कुछ निकाल लिया। हालांकि इसकी शिकायत श्रद्धालु ने मंदिर में खड़े सुरक्षा कर्मियों से भी की और सुरक्षा कर्मियों ने जब सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो उसमें एक युवक जो कि बच्चे के साथ था उस पर शक हुआ और फिर चोरी करता हुआ युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। उसकी फोटो देखकर फिर श्रद्धालु महिलाएं उसको देखने के लिए मंदिर परिसर गई। श्रद्धालु महिलाओं को वह दोबारा फिर लाइनों में घुसते हुए दिखाई दिया और उस लड़के को श्रद्धालु महिलाओं ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। डीएसपी संजय शर्मा ने बताया कि पुलिस इस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है, आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। हम लोग यहाँ पे नैना देवी दर्शन करने आए थे। मेरे पिताजी का जो पर्स था वो भवन पे निकाला गया था और हमने जो कंप्लेन करवाई थी वो बंदे पकड़े गए हैं। उसके साथ एक बच्ची थी और उसके पिताजी थे, तो हमने वो बंदे जो हैं पुलिस के हवाले कर दिए हैं। पुलिस से हम विनती करते हैं कि उसकी कार्रवाई की जाए जल्द से जल्द। और हम लोगों ने उस बंदे को सीसीटीवी कैमरा में देखा था, उससे हमने उसकी पहचान की और उनको दोबारा से भवन पर ही पकड़ा गया। ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਸੀਗਾ, ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਰ ਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਦੀ ਆਰ ਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਕੁੰਦਾ ਏਟੀਐਮ ਹੋਰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬਕਤੋ ਚਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾ ਯੇ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ।